بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال البخاري رحمه الله تعالى باب ظلم دون ظلم گزشتہ سبق میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ ظلم کے درجات تھے، اس کا اعلیٰ درجہ کفر اور شرک ہے، اور اس کا ایک عام درجہ، کم تر درجہ، عام درجے کی معاصی ہے، جس درجے کی معصیت اس درجے کا اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں۔ معصیت کو ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر معصیت دو حال سے خالی نہیں، یا تو معصیت کرنے والے کے لیے وہ مضر ہے، اور یا تو دوسرے کے لیے مضر ہے، یا پھر دونوں کے لیے مضر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی معصیت ہو اور اس کا ضرر نہ ہو۔ دوسرے سے متعلق اس کا ضرر نہ بھی ہو تو کم سے کم مرتکب سے متعلق تو اس کا ضرر ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے تو خطبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اعمال کی سیئات سے، برے اعمال سے، نفس کے شرور سے۔ اس لیے کہ نفس کے شرور کا اور اعمال کی سیئات کا، اعمال سیئہ کا اثر بد، اثر منفی، اثر مضر خود مرتکب پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہر معصیت ظلم ہے۔ پہلا اثر، پہلا ظلم تو انسان اپنے ہی اوپر کرتا مقصد بخاری اور مطلب بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دونوں معنی کو اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ معتزلہ اور خوارج اور مرجیہ کی تردید مقصود ہے۔ ہر معصیت سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، اور معصیت اپنا رنگ نہ دکھائے ایسا بھی نہیں ہوتا، رنگ دکھاتی ہے، اسی لیے تو وہ ظلم ہے، اسی لیے تو ظلم ہے۔ مرجیہ کی تردید ہو گئی، اور ایسا نہیں کہ ہر معصیت ایمان سے خارج کر دے، اسی لیے عام معاصی پر اس کا اطلاق کیا گیا اور ظلم دون ظلم کا عنوان لگایا گیا کہ کوئی تو بہت اونچے درجے کی معصیت ہوتی ہے، بہت اونچے درجے کا ظلم ہوتا ہے جس سے ایمان سے آدمی خارج ہو جاتا ہے، جسے کفر اور شرک، لیکن اس کے علاوہ اس سے کم تر ہے جس سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا آدمی،
बस पता ये चला कि इसमें मुर्जिया की भी तर्दीद है, मोतज़िला की भी है, और मुर्जी और ख़वारिज की भी। सनद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से बात कल हो चुकी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, अल्लाह ताला ने अपने प्यारों की तौसीफ़ में आयत नाजिल फरमाई कि मेरे प्यारे, मेरे महबूबीन, मकबूलीन वो हैं जो ईमान लाएं और अपने ईमान को जुल्म से मखलूत न करें, जुल्म से बचा कर रखें। अब सहाबा ने इसका जो मतलब समझा तो यही समझा कि जुल्म से मुराद मासियत है। अब सहाबा को घबराहट हुई, उलझन हुई कि कौन है ऐसा जिसने ईमान लाने के बाद कोई मासियत न की हो। छोटी बड़ी मासियत तो आदमी से होती ही रहती है। अब सहाबा को उलझन हुई। قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم, हम में कौन ऐसा है जिसने जुल्म न किया हो। तो सहाबा के इत्मीनान के लिए आयत नाजिल हुई, فانزل الله ان الشرك لظلم عظيم, कि यहां जुल्म से मुराद जुल्म अजीम है यानी शिर्क है। ज़ुल्म से मुराद बेज़ुल्मिन में अल्लदीना आमनु वलम यलबिसु ईमानहुम बेज़ुल्मिन में, ज़ुल्मिन में ज़ुल्म से मुराद ज़ुल्म अज़ीम है, और ज़ुल्म अज़ीम का मिसदाक शिर्क है। अब तर्जमा ये हो जाएगा, वलम यलबिसु ईमानहुम बेकुफ्रिन व शिर्किन, बेशिर्किन, अपने ईमान को कुफ्र व शिर्क से मखलूत नहीं रखा, यानी खालिस ईमान बना के रखा। तो ऐसा इंसान अल्लाह के मकबूल गरोह में है, मकबूल बंदों में है। इस रिवायत से, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस गुफ्तगु से, इस हदीस से साबित हुआ कि जुल्म में भी दरजात हैं। दूसरा बाब देखिए, बाबो अलामतिल मुनाफिक। अलामत कहते हैं मा युलमु बिही को, फ़ाल का वज़न, फ़ाल और फ़ाल, इसी तरीके से अलामत और अलामत मा युलमु बिही के माना में है। खिताम लगाम को कहते हैं, खिताम, ज़िमाम लगाम को कहते हैं। मा युज़म्मु बिही अल्हैवान वमा युख्तमु बिही अल्हैवान, जिसके ज़रिए से जानवर को नकेल लगाई जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो फ़ियाल का वज़न मफ़ूलुन बिही के माना में होता है, कभी मफ़ूलुन के माना में होता है, जैसे किताब बमाना मक्तूब। अलामत मा युलमु बिही के माना में, जिसके ज़रिए किसी चीज़ को जाना जावे। आपकी चाल ढाल से, दूर से ही अंधेरे में मैंने समझ लिया कौन जा रहा है। नहीं समझे, होता है कि कौन कितना हाथ हिला रहा है, एक हाथ हिलाता है या दोनों हिलाता है, दूर से समझ में आ जाता है वही है। लेकिन ये बात याद रहे कि अलामत से शय का पता यकीनी नहीं होता। अमूमन अलामत काम कर जाती है, लेकिन कभी कभी अलामत होती है और शय मालूम नहीं होती। जुल अलामत वहाँ मौजूद नहीं होता। जैसे
अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल देते हुए कहा, कभी बदन में हरारत होती है, बुखार नहीं होता, थकान वगैरह की वजह से हरारत आ जाती, तो अलामत है मगर जुल अलामत नहीं है, हरारत है मगर बुखार नहीं है। अल मुनाफिक, मुनाफिक का लफ्ज नाफिका से बना हुआ है, पहले भी कह चुका हूं अरबी इश्तिकाक में बड़ी लज्जत है। जैसे कल दो एक लफ्ज की लुगवी तहकीक या लुगवी उसका माना पेश किया गया था, तो मुनाफिक के लफ्ज में भी कि अरबों ने कितना बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किया है किसी के लिए कैसी बुनियादी मुनासबत से। मुनाफिक का लफ्ज मुश्तक है नाफिका से, नाफिका, और नाफिका कहा जाता है एक जंगली जानवर होता है जिसको बाज़ों ने गोह कहा है और बाज़ों ने सिर्फ जंगली जानवर से ताबीर किया। वो जब अपना बिल बनाता है समझा, तो उस बिल में दो रास्ते रखता है, एक रास्ता खुला होता है सामने जिससे वो आता और जाता, और दूसरा रास्ता दूसरे किनारे पे बिल्कुल ज़मीन की सतह तक कुरेद करके बना के रखता है, लेकिन ज़मीन का कुछ हिस्सा अभी ऊपर से छत की तरह छोड़े रखता है, किसी को दिखता नहीं। जब कोई शिकारी उसका शिकार करता है और वो देखता है कि इस रास्ते से वो गया है, तो जब कोई शिकारी उसको दौड़ाता है तो वो इस रास्ते से उसमें घुस जाता है, महफूज हो जाता। फिर शिकारी सिर्फ बैठा इंतज़ार करता है इस रास्ते से निकले तो मैं शिकार करूं, मगर वो इस रास्ते से नहीं निकलता, वो जो दूसरा रास्ता थोड़ा सा बनाना बाकी था जल्दी से उस दूसरे रास्ते को तोड़ करके वो निकल कर कहीं और चला जाता है और अपनी जान बचाता है। देखा आपने, अपने मकसद के लिए उसने एक पोशीदा रास्ता बना रखा, इस पोशीदा रास्ते का नाम नाफिका है और खुले हुए रास्ते का नाम कासिआ है। कासिआ कहा जाता है खुले हुए ओपन रास्ते को, और नाफिका छुपे हुए रास्ते को, जिससे अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ख्वाहिश के वक्त या अपने मफाद के लिए उसको इस्तेमाल करता है। इसी लफ्ज से लफ्ज मुनाफिक बना, उसके मादा में भी नफका है, इसके मादा में भी नफका है, उसी से मुनाफिक बना। इसलिए कि मुनाफिक का भी दो तारुफ है, इसका भी दो रास्ता है, एक उसने ईमान से रिश्ता जोड़ा इस माना करके कि जाहिर में उसने कलमा पढ़ा, टोपी लगाई, मस्जिदों का आना जाना जारी रखा, मुनाफिकीन मस्जिद में भी आते हैं, ऐसे देखकर कोई नहीं समझ सकेगा कि यह मुनाफिक है, इसीलिए तो मुनाफिकीन की बिताइन मुराद मालूम नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ के नाम हजरत हुदैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह अन्हुमा को बता दी थी, कुछ के नाम बता दिए थे, उसी में रहते थे मुनाफिकीन सहाबा के बीच में। कोई कोई पकड़ में आ गया, उसका इश्तिहार हो गया, वो एक अलग सी बात। तो वजह इसकी यही है कि इनके भी दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता तो ये जाहिर वाला, वो है टोपी वाला, ईमान वाला, कलमे वाला, नमाज वाला, अहले ईमान वाला रास्ता, दिखते हैं कि ईमान वाले,
लेकिन जब कोई मौका आता है इस्लाम से और मुसलमानों से अदावत का, इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ करने कहने सुनने का, तो उस वक्त वो दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करते हैं और अपने मफाद की हरकतें कर लेते हैं। जैसा कि बहुत सारे मौक़े पर मुनाफिकीन ने मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया। एक छोटी सी बात, उहद के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मशवरे के बाद लेकर निकले, ये भी उसमें थे, मुनाफिकीन भी गज़वे की शिरकत के लिए, किसको पता कि कौन मुनाफिक। लेकिन जो मुनाफिकीन थे एक चीज़ को बहाना बना करके 250-300 की तादाद में वापस हो गए, एक बड़ी तादाद में वापस हो गए, निकल गए एक चीज़ को बहाना बना कर। तो जिसको करना नहीं होता, जो मुनाफिक होता है, जो अपने मफाद का बंदा होता है, उस पोशीदा रास्ते से वो अपना कर लेता है, अपना मफाद पूरा कर लेता है। तो मैंने कहा ये अरबों में जो इश्तिकाक होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। जी, अब इन्होंने अपना एक ज़ाहिरी तारुफ बना रखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज, रोज़ा, टोपी, कुर्ता वगैरह, यानी मुसलमानों जैसी हयात, तो कोई इन पर हमला नहीं कर सकता था, कोई इनको गैर नहीं समझ सकता था। लेकिन मौके पर वो अपनी मुनाफिकाना काफिराना चाले चल लेते थे, तो बिल्कुल उस जानवर के ये मुशाबे। हदीस बाब देखिए, बिही क़ाल हद्दसना सुलेमान अर्रबी अबुर्रबी क़ाल हद्दसना इस्माइल इब्न जाफ़र क़ाल हद्दसना नाफ़ इब्न मालिक इब्न अबी आमिर अबू सुहैल नबी नबी हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की पहचान तीन चीज़ें हैं, इज़ा हद्दस कज़ब, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, हाँ, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब उसको अमानत दी जाती है तो वो खयानत करता है। दूसरी रिवायत भी इसी मफहूम की है, इसमें दो तीन के बजाय चार बातें अलामत की बतलाई गई। ये रिवायत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने अल-आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अरबाउन मन कुन्ना फीह काना मुनाफिकन खालिसन, चार बातें जिस इंसान में हों तो वो पक्का मुनाफिक है, खालिस मुनाफिक है, जैसे खालिस दूध में पानी नहीं मिला हुआ, ऐसे इनके निफाक में थोड़ा भी ईमान नहीं मिला हुआ, थोड़ी भी कोई नेकी नहीं मिली हुई, पक्का मुनाफिक है, जिसमें चार बातें। वमन कानत फी खसलतुन मिनहुन कानत फी खसलतुन मिनन निफाक, जिसमें इनमें से एक कोई बात पाई जाए तो निफाक की एक सिफत इसमें हुई, यहाँ तक कि वो उसको छोड़ दे, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे, और जब बात करे तो झूठी बात करें, और जब किसी से वादा करें मुआहदा करें तो गदर करें, और जब किसी से इख्तलाफ और झगड़ा करें तो फजर करें, यानी कि गाली गलौज करें। इसमें एक चीज़ बढ़ा दी है, इदा खासम फजर, जब किसी से झगड़ा उसका होता है तो ढंग से नहीं इख्तलाफ करता, गाली गलौज पर आ जाता। इन दोनों रिवायतों में मुनाफिक की अलामतें बतलाई गई। एक दो सवाल है छोटा छोटा, एक सवाल ये है कि पहली हदीस में तीन अलामतें, दूसरी हदीस में चार अलामतें, ऐसा क्यों, इख्तलाफ क्यों? जवाब, अदद अकल से अदद अक्सर की नफी नहीं होती, एक अदद से दूसरे अदद की नफी नहीं होती।
जहाँ तीन बयान करना मकसूद था तीन बयान कर दिया, फिर चार मकसूद हुआ चार बयान कर दिया। वो मौके मौके से मुतकल्लिम के शऊन का इख्तलाफ होता है, तबीयत में जितनी बात जिस वक्त आई उतनी बात अर्ज कर दी। दूसरा सवाल ये है कि ये बातें तो ईमान वालों में भी पाई जाती हैं, आदमी झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, गाली गलौज भी कर लेता है, बेअमानत में खयानत भी कर लेता है वगैरह, तो क्या सारे लोग मुनाफिक हो गए? तो उसका जवाब अलामत की तफसीर से हो चुका। ये अलामत से शय का सिर्फ अंदाज़ा होता है, शय का यकीनी उकू नहीं होता। इसलिए ये कहा जाए कि ये चीज़ें इस ऐसी हैं कि शुबह किसी को हो सकता है कि यार ये मुनाफिक है क्या जो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, वो हरकतें जो मुनाफिकीन की हैं। इसीलिए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुनाफिक की अलामत, ये अलामतें अगर किसी मोमिन में पाई जाती हैं तो समझ जाओ कि मुशाबहत पाई जा रही है, असल माहियत नहीं पाई जा रही। मुशाबहत पाई जा रही, असल माहियत नहीं पाई जा रही। दूसरी बात कि भाई निफाक की दो किस्में कर लीजिए, निफाके इल्मी और निफाके हकीकी और निफाके अमली। हकीकी निफाक तो उनके अंदर में था, मुनाफिकीन में था, निफाके अमली ईमान वालों में हो सकता है कि वो इन कामों को जायज़ नहीं समझते मगर कर बैठते। अमलन उनमें ये कमज़ोरियाँ होती हैं, एतकादन और इल्मन और हकीकतन ये कमज़ोरियाँ उनमें नहीं होती हैं। सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम।